Good morning, students. In our earlier part, we have seen how the controversy was raised. यानी क्या यहाँ पे कि कैसे वहाँ पे controversy क्रिएट हो गई और वो controversy क्या थी कि सबसे पहले कौन पहुँचा. तो इसके बाद में उन्होंने they went to the office of Prime Minister of Nepal and there they signed an agreement. एक उन्होंने अग्रीमेंट वहाँ पे साइन किया और वो अग्रीमेंट क्या था ये आगे पढ़ते हैं. यहाँ पे इट रीड्स यानी हिलरी की एक कॉपी है जो तेंजिंग नॉर्गे के पास में मौजूद है. उसमें हिलरी ने क्या लिखा है वो यहाँ पे पढ़कर बता रहे हैं. इट रीड्स काठमांडू जून 22, 1953. ऑन मे 29th तेंजिंग शेरपा एंड आई left our high camp on Mount Everest for our attempt on the summit. तो यहाँ पे भी बोलते हैं कि we left our high camp, यानी last वाला जो camp था camp 9 जिसको उन्होंने कहा है, they left it and they begin to climb Mount Everest. Okay, on the summit. As we climbed upwards to the south summit, first one and then the other would take a turn at leading. यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि first one and then the other, यानी पहले एक जन चढ़ता था और फिर when they change the angle, the side of climbing at a time, the another person would take the lead. यानी पहले एक जन, जैसे for example तेंजिंग अगर पहले आगे थे तो फिर थोड़ी देर के बाद में एंगल चेंज करने के बाद में फिर क्या होता था वहाँ पे एडमंड हिलरी आगे जाते थे. सो ही वुड लीड द डीओ, यानी वो आगे होते थे. देन वी क्रॉस्ड ओवर द साउथ समिट एंड मूव्ड अलोंग द समिट रिज. तो रिज का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो अ लॉन्ग नैरो पीस ऑफ रेज्ड लैंड. यहाँ पे एक रेज्ड लैंड जैसे होती है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जैसे समिट है, ये जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो ये यहाँ पे ये जो पार्ट जो है इसको कहेंगे हम रिज. ठीक है, तो ये ऐसे ये फैला हुआ रहता है, ऐसे ये ऐसे फैला हुआ रहता है ऐसा. तो यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द रिज, शॉर्ट नैरो, अ लॉन्ग नैरो पीस ऑफ रेज्ड लैंड. ठीक है, तो आगे फिर वो बढ़ते गए. साउथ समिट एंड मूव्ड अलोंग द समिट रिज, समिट तक वो पहुंचे और वहां पे रिज जैसा एक पार्ट था. वी रीच द समिट ऑलमोस्ट टुगेदर एंड ही इज अगेन राइटिंग दैट दैट बोथ ऑफ देम रीच द समिट जस्ट टुगेदर द सेम टाइम. वी एम्ब्रेस्ड ईच अदर ओवरजॉयड एट अवर सक्सेस. एम्ब्रास करना यानी टू जैसे गले लगाना, तो जैसे टू हग कहते हैं उसको, HUG यानी टू एम्ब्रास यानी गले लगना, आलिंगन देना. देन आई टुक फोटोग्राफ ऑफ तेंजिंग होल्डिंग अलॉफ्ट द फ्लैग्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, द यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया, साइंड EP हिलरी. तो इस तरह से वहाँ पे जब दोनों एक साथ में पहुंचे आफ्टरवर्ड्स, एडमंड हिलरी होल्ड अ लॉफ्ट यानी ऊंचा ऐसे पकड़ना, उन्होंने फ्लैग पकड़े हाथ में और फिर वहां पे उनकी फोटो निकाले तेंजिंग ने, और इसके बाद में नीचे में साइन है हिलरी की. देयर इज अनदर पेपर लाइक दिस इन इंग्लिश साइन बाय मी, ऐसा एक और पेपर है बोले वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है और दैट पेपर इज साइन बाय तेंजिंग. Thus, we will not take part in any controversy. इस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने लिख दिया है कि we reached the summit almost together, एक साथ में पहुँचे करके उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है. तो इसके वजह से there is no any controversy. As the statement says, Hillary and I embraced when we reached the top.
We did as well as our bulky equipment would let us. और वहाँ पे पहुँचने के बाद में उन्होंने उनके बल्कि इक्विपमेंट, अभी बल्कि क्यों कहा है वहाँ पे, BULK बल्क, तो बहुत ही हेवी उनके साथ में बोझा था, बहुत सारी चीज़ें थी, इक्विपमेंट्स थी उसके साथ में, कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही ठीक ऐसे कपड़े पहन के रखे हुए थे. तो ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड द बल्कि इक्विपमेंट. ठीक है, तो जैसे जमता था वैसे उन्होंने एक दूसरे को एम्ब्रास किया. और फिर आई रिमेंबर सेइंग टू हिम वी हैव डन इट. अभी ये सेंटेंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वी हैव डन इट. व्हाट डज इट मीन दैट, कि हमने ये करके दिखाया. वी स्टैंड फॉर तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी. तो यहाँ पे वो तेंजिंग नॉर्गे कहते हैं कि बोले हम जैसे वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक दूसरे को एम्ब्रास किया और फिर वो कहते कि यस वी हैव डन इट. ओके, एट लास्ट वी हैव रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट बट वी कुडंट हियर. पर वो एक दूसरे को सुन नहीं पाए ऐसा कहते हुए कि वी हैव डन इट. व्हाई दे कुड नॉट हियर, वी हैड अवर ऑक्सीजन मास्क ऑन, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह के ऊपर वहाँ पे ऑक्सीजन इनसफिशियंट मात्रा में होता है ऊंची हाइट पे, इसीलिए उन्होंने ऑक्सीजन मास्क सपोर्ट के लिए पहन के रखे थे. तो ऑक्सीजन मास्क की वजह से वो जो कुछ भी बोल रहे थे दे कुड नॉट हियर वन अनादर. देन नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट थॉट. द फर्स्ट थॉट ऑन रीचिंग द टॉप वॉज अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड. तो वो कहते हैं वहाँ पे कि जैसे ही हम वहाँ पे टॉप पे जाके पहुँचे, एट अ टाइम वी हैड अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड. सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड था और किसके लिए, फॉर गॉड. व्हाई, बिकॉज दैट आफ्टर हैविंग फेल्ड 6 times. अभी इसका रीजन आपको समझ में आया होगा कि व्हाई ही इज थैंकिंग गॉड, व्हाई तेंजिंग नॉर्गे इज थैंकिंग गॉड. व्हाई इज थैंकिंग, बिकॉज अर्लियर ऑल्सो ही हैज ट्राइड टू रीच द समिट, ही हैड ट्राइड but he could not reach there and after having faced 6 unsuccessful attempts this is the 7th attempt in which he was successful and so he is thanking God. He had blessed me with fulfillment of this desire I had held so long. kai efforts ke baad mein unki ye jo desire hai ye puri hui hai. So it is the fulfillment, it is the fulfillment means here accomplish, complete of this desire. What desire? Of climbing Mount Everest. I had held so long, since a long time he had that desire to reach the summit of Mount Everest but he couldn't, and this time in his 7th attempt he got the success. Okay, so he's thanking God. I placed on the summit the offerings to God that I had carried with me. और फिर उन्होंने क्या करे कि उनकी जो कुछ offerings यानी some of the valuable things थी उनके साथ में वो offer की as a token of gratitude towards God. जैसे हम भगवान के पास में जाते हैं कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं वहाँ पे, कुछ हमारे जैसे कुछ धर्मों में वहाँ पे नरियल वगैरह चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद में अगरबत्ती जलाते हैं और कुछ कापूर वगैरह लगाते हैं वहाँ पे. तो ये सब चीज़ें जो है दीज आर द ऑफरिंग्स. कुछ लोग वहाँ पे मिठाई भी भगवान को चढ़ाते हैं. तो ऑल दोज थिंग्स आर द ऑफरिंग्स. तो उन्होंने भी वहाँ पे गॉड के नाम से कुछ ऑफरिंग्स करे वहाँ पे ऑन द समिट. ठीक है, दिस इज इन अकॉर्ड विथ अवर रिलीजन. और ये इन अकॉर्डेंस, इन रिलेशन विथ हिज रिलीजन. बोथ माई वाइफ एंड आई आर बुद्धिस्ट. वो कहते हैं कि मैं और मेरी वाइफ जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं. तो हमारे रिलीजन में जैसे बताया गया है वैसे मैंने वहाँ पे ऑफरिंग्स की. आई कुड नॉट नील. तो बोले मैं झुक नहीं पाया. वाई ही कुड नॉट नील, बिकॉज माई क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट. तो उन्होंने जो क्लोथ्स पहने थे और इक्विपमेंट जो कैरी कर रहे थे उनकी वजह से ही कुड नॉट नील ऑन नील देयर. ही कुड नॉट बेंड देयर एंड मेक अ वर्शिप. जैसे हम प्रेयर के लिए बैठते हैं ना
तो अपने घुटने मोड़ के उसके बाद में हम बैठ जाते हैं घुटनों के बल, और उसके बाद में फिर वहाँ पे अपनी प्रेयर करते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कोशिश करे, बट ही कुड नॉट, एंड सो जस्ट बाय स्टैंडिंग देयर ही प्रेड बिफोर गॉड, बट आई ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट। माई ऑफरिंग्स वेयर, अभी उन्होंने क्या ऑफर किया वहाँ पे, दिस वेयर बिस्किट्स, तो उन्होंने वहाँ पे बिस्किट्स ऑफर किए, कैंडी एंड अ लिटल ब्लू पेंसिल। तो उन्होंने वहाँ पे बिस्किट्स, कैंडी और एक लिटल पेंसिल उन्होंने वहाँ पे ऑफर करे। और ये पेंसिल उनको किसने दी थी, माई यंगेस्ट डॉटर नीमा हैड गिवन मी द पेंसिल बिफोर आई लेफ्ट होम। तो बोले ये जो पेंसिल जो है वो मेरी डॉटर जो है, सबसे छोटी बेटी, यंगेस्ट डॉटर नीमा उसका नाम है, तो उसने वो उनको पेंसिल दी थी। शी आस्क्ड मी टू पुट इट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एज हर ऑफरिंग। तो बोले आप मेरी तरफ से ये पेंसिल वहाँ पे भगवान के नाम से चढ़ा देना। इट वॉज एन ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल, नॉट इवन अ लॉन्ग वन, बट इट वॉज वन ऑफ हर प्राइज्ड पजेशंस। बोले वो कुछ ऐसी एकदम स्पेशल ऐसी पेंसिल नहीं थी वो, इवन नॉट अ लॉन्ग वन, यानी कंप्लीट भी नहीं थी वो, यूज़ की हुई थी थोड़ी सी, और वो उन्होंने वहाँ पे दिए। और वो पेंसिल क्यों, बिकॉज जो उसके पास में कुछ वैल्यूएबल था वो था सिर्फ एक पेंसिल, कुछ उसके पास में दूसरा देने के लिए था नहीं, इसलिए वो बस पेंसिल ही भगवान के नाम से दे सकती है। एज आई पुट इट डाउन आई पॉइंटेड इट आउट टू हिलरी, वो जैसे वहाँ पे पेंसिल रखते तो उसके बाद में वो हिलरी को पॉइंट करते, सी व्हाट आई हैव ऑफर्ड, ही गेव मी अ बिग स्माइल। तो हिलरी वहाँ पे एक बिग स्माइल देते हैं उनको, और शोइंग दैट ही अंडरस्टूड, बोले समझ में आया ये क्या है करके, यानी ही कुड अंडरस्टैंड दैट इट माइट बी गिवन बाय हिज फैमिली मेम्बर और हिज डॉटर ऑल्सो। देन आई गॉट आउट द फ्लैग्स, गॉट आउट यानी टेक आउट, तो बाहर निकालते हैं फ्लैग्स, विच आई हैड ऑन पीस ऑफ स्ट्रिंग अबाउट 4 feet लॉन्ग, एक 4 feet का करीबन एक लंबा एक धागा था उनके पास में, स्ट्रिंग दैट इज अ थ्रेड, ओके, तो थ्रेड को वो फ्लैग्स फास्टन किए हुए थे, बांधे हुए थे वो। आई फास्टन वन एंड टू माई आइस एक्स एंड हिलरी टू पिक्चर्स एज आई हेल्ड इट अप, तो अपने जो आइस एक्स जो होती थी उनके पास में, तो जिससे वो आइस ब्रेक करके ऊपर ऊपर ऐसे स्टेप्स बना के ऊपर ऊपर चढ़ते थे वो, तो वो आइस ब्रेक करने वाली जो आइस एक्स थी उसको एक तरफ में वो बांधते हैं वो धागा, और ऐसे ऊपर ऐसे पकड़ के वहाँ पे वो अपनी फोटो खिंचवाते हैं, ओके। हिलरी टूक पिक्चर्स। एज आई हैड टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी आई बरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस ऑन द टॉप, तो उनको एक्स तो वहाँ पे वो रख नहीं सकते थे, तो इसलिए उनको वापस लानी थी, बिकॉज ही हैड टू स्टेप डाउन, तो इसलिए वो क्या करते कि जो स्ट्रिंग का एक साइड जो होता है वो बरी करते, नीचे दबाना, ओके, बरी अंडर यानी जमीन के नीचे, वहाँ पे तो बर्फ थी, तो फिर बर्फ के नीचे उन्होंने वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द आइस ऑन द टॉप एंड द अदर इन स्नो ऑन द स्लोप डाउन बिलो, तो दूसरा एंड जो है वो एक अदर एंड स्नो में वो दबाते हैं जस्ट थोड़ा नीचे, ओके। व्हेन वी लेफ्ट दे वेयर लाइंग फ्लैट अगेंस्ट द समिट, और जैसे वहाँ से वो निकलते हैं तो वो फ्लैग्स जो है वो ऐसे स्नो को चिपक के वहाँ पे रहते हैं। देन ही सेइंग आई वॉज वेरी थर्स्टी, आई वॉज वेरी थर्स्टी, तो उनको प्यास लगने लगी थी। आई टुक आउट अ वाटर टम्बलर फॉर अ ड्रिंक, तो वो अपनी जो वाटर की टम्बलर जो रहती है, यानी वाटर बॉटल हम बोलेंगे, जो आयरन की बनी हुई है, वो टम्बलर बाहर लाते हैं वो, और बट फाउंड द वाटर इन द मेटल कंटेनर हैड फ्रोजन, सो आई कुडंट क्वेंच माई थर्स्ट, क्वेंच मीन्स हियर सेटिस्फाई वंस थर्स्ट, उनकी प्यास नहीं गई बिकॉज द आइस वॉज फ्रोजन इन द वाटर।
water container. I ate some biscuits and offered some to Hillary. फिर वो वहाँ पे कुछ बिस्किट्स खाते हैं और कुछ वहाँ पे हिलरी को भी ऑफर करते हैं. I was wearing a red scarf which my great friend Lambert. ये Lambert जो है वो कौन है, उनके पास में एक रेड कलर का स्कार्फ था और उन्होंने गले से वो पहन के रखा था. तो वो स्कार्फ के बारे में याद बताते हैं वो, ही इज टेलिंग अ मेमोरी ऑफ दैट रेड स्कार्फ. दैट रेड स्कार्फ वॉज गिवन टू हिम बाई हिज ग्रेट फ्रेंड Lambert. और वो Lambert कौन थे, ही इज द लीडर ऑफ द 1952 स्विस एक्सपेडिशन. तो 1952 में जो स्विस एक्सपेडिशन था उसके वो लीडर थे और उन्होंने वो स्कार्फ गिफ्ट करे थे टू शेरपा तेंजिंग. ही हैड गिवन मी लास्ट ईयर, इट वॉज जस्ट अ ईयर एगो ऑन मे 28 व्हेन वी वेर स्टैंडिंग एट 28,215 फीट दैट ही गेव मी द स्कार्फ. तो उनके साथ में एक्सपेडिशन में थे लेकिन किसी कारणवश वो एक्सपेडिशन पूरी नहीं हो पाई और उसकी वजह से उन्होंने जाते जाते 28th ऑफ मे को उनको वो स्कार्फ गिफ्ट किया था और उस टाइम में वो खड़े थे 28,215 फीट पे. एट अ टाइम ही गेव दैट स्कार्फ टू तेंजिंग बिकॉज ही न्यू दैट तेंजिंग वुड सर्टेनली इन इस फ्यूचर वुड बी सक्सेसफुल इन क्लाइंबिंग द समिट. तो उन्होंने उसको वो गिफ्ट कर दिया एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप. I wore it all the way up the mountain from Darjeeling. तो Darjeeling से जब उन्होंने शुरुआत की थी Darjeeling से कंटिन्यू वो उसको अपने साथ में लपेटे हुए ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे. As I stood at the top, और जैसे वो समिट के ऊपर खड़े होते वहाँ पे, I remembered him and felt that he was with me. तो वो याद आता है उनको कि बोले as if his friend Lambert is with him. उनका दिया हुआ स्कार्फ है यानी खुद Lambert उनके साथ में है, ऐसे वो फील करते हैं वहाँ पे. आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट द समिट, माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, आई डिडंट फील टायर्ड, आई फेल्ट एग्जाइलरेटेड, इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन. तो वट वेयर हिज फीलिंग्स वेन ही रीच्ड द समिट, एट द टाइम ही सेइंग दैट ही फेल्ट, यहाँ से है ये, आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट. ओके, एट द समिट हिज माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, कोई दूसरे विचार उनके दिल में नहीं चल रहे थे. ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर विथ हिज थिंकिंग एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग टायर्ड. ओके, ही वॉज एग्जाइलरेटेड. एग्जाइलरेटेड मीन्स हियर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत ही खुश थे वो. हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स. ओके, एंड इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन, इट वॉज अ great sensation to feel that you are a successful climber of the Mount Everest. That is a great achievement, it is a world record because nobody could have achieved it, and so it is a great sensation for him, and so he was feeling blissed with it. Okay students, we will stop here and the remaining part we will see in the next video. Thank you for watching. Thank you.